आपने कहा कि कौन आप पे भरोसा करेगा, मैं यहाँ पे भरोसा दिलाने नहीं आई, मैं जो यहाँ पे तथ्य और सत्य है वो आपको बताने आई। आपको नहीं सुनना है तो मैं डिबेट छोड़ देती हूँ, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं देती। अमीश देवगन, आप बहुत विद्वान और चतुर एंकर हैं, विषय को ट्विस्ट मत करिएगा। ट्विस्ट नहीं कर रहा मैं, आपने आपने सवाल करा करा तो मेरा आपसे सवाल है चाहे कि ट्विस्ट कर रहे हैं। सुनने का मादा पैदा करिएगा, संयम रखिएगा। मैं उठ जाऊंगा क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं। सर जवाब दे, आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड करिए मुझे। देश के मीडिया एंकर्स की छवि अब सत्ता में बैठी पार्टी के नुमाइंदों की बन चुकी है। पिछले कुछ समय से मीडिया सरकार की तारीफ और विपक्ष से सवाल करता दिखाई दे रहा है, और अगर डिबेट की बात करें तो उसमें भी मीडिया एंकर बीजेपी नेताओं का साथ देते ही नजर आते हैं। यही कारण है कि कई बार मीडिया एंकर्स को विपक्षी नेताओं के गुस्से का सामना करना पड़ता है। आज हम उन्हीं वीडियोस की बात करेंगे जिनमें विपक्षी नेताओं ने डिबेट में मीडिया पर सवाल उठाए हों। आज तक पर कंगना के दफ्तर तोड़े जाने के बाद शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल किए। प्रियंका ने इसका जवाब दिया, पर एंकर के बार बार एक ही सवाल पूछने से वह परेशान हो गई और प्रियंका ने एंकर को टोक दिया। देश भर में यही मैसेज गया है कि अगर शिवसेना के खिलाफ आपने अपनी जुबान खोली तो देखिए आपके दफ्तर का हम क्या हाल करेंगे। कि एक सेलिब्रिटी अपने घर के अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर ले, कुछ भी चेंजेस कर ले, वो सेलिब्रिटी को हर 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 प्रॉब्लम माफ है। क्या उन्होंने जो माहौल बना के रखा है शिवसेना की सरकार ने, उस पर उन्होंने टारगेट किया था। चित्रा जी, ऐसा है कि बुलाया आपने था मुझे इस डिबेट पे, मैं नहीं आई न्योता देकर अपने आप को, है ना। आपने कहा कि कौन आप पे भरोसा करेगा, मैं यहाँ पे भरोसा दिलाने नहीं आई, मैं जो यहाँ पे तथ्य और सत्य है वो आपको बताने आई। आपको नहीं सुनना है तो मैं एक डिबेट छोड़ देती हूँ, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं देती। मैंने जैसे आपको कुछ जवाब दिया, आप तो ऐसे ही आपको तिलमिला उठी, जैसे ही आपके बारे में मैं कह रही हूँ। मुंबई की हमारी छोटी छोटी झुग्गियों में बहुत छोटे, इससे भी छोटे ख्वाब लेकर लाखों परिवार आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सब जगह से। मुंबई ने उनके लिए भी घर दिया है। उनके जब अवैध घर तोड़े जाते हैं तब आपको इतनी टीस नहीं पहुंचती है। न्यूज 18 पर कंगना और शिवसेना विवाद पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अमीश देवगन ने, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कंगना पर अपने स्टैंड को लेकर सवाल किए। अपने जवाब में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रिया का जिक्र भी किया, पर एंकर के बीच में टोकने से वे एंकर पर भड़क उठे। रिया को तो ताली और कंगना को गाली है, जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है तो उसमें गलत कहाँ कहा है? रिया चक्रवर्ती ब्राह्मण कन्या है तो इसमें गलत क्या क्या है? इसमें कास्ट कार्ड को नहीं लेके आना चाहता क्योंकि कांग्रेस लेकर आई है, तो ब्राह्मण ठाकुर वैश्य के हिसाब से, बनिए के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है क्या? अमीश देवगन, आप बहुत विद्वान और चतुर एंकर हैं, विषय को ट्विस्ट मत करिएगा। ट्विस्ट नहीं कर रहा मैं, आपने सवाल करा करा तो मेरा आपसे सवाल है चाह रहे कि ट्विस्ट कर रहे हैं। और अगर पीओके पे नाराजगी थी तो राहुल गांधी ने तो सीधे बोला था हिंदुस्तान। आचार्य जी, अमीश देवगन सुनने का मादा पैदा करिएगा, संयम रखिएगा, भाषण मत दीजिएगा, मुझे संयम ही रख रहा हूँ। भाषण तो अधीर रंजन चौधरी दे रहे हैं, भाषण तो संजय राउत ने दिया। अमीश देवगन, 10 दिन से सीबीआई क्यों नहीं बता रही? सुशांत सिंह राजपूत गायब है, कंगना को ले आए। अरे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है, यहाँ कंगना को कौन लाया? कंगना को शिवसेना लाई। आज तक पर कंगना के मुद्दे पर बहस में एंकर अंजना कश्यप ने आशुतोष से सवाल किए। आशुतोष ने देश में घट रही घटनाओं का जिक्र किया। एंकर ने उन्हें कंगना पर जवाब देने को कहा, जिस पर आशुतोष मीडिया पर ही भड़क गए। अगर बोलिएगा तो बुलडोजर चलेगा, ऐसी नौबत आ गई है महाराष्ट्र में। पूरी बहस बेमानी है क्योंकि एक फिल्म स्टार है और उसके घर को लेकर डिमोलिशन हो रहा है तो चर्चा हो रही है। इस देश के अंदर रोज हजारों लाखों गरीबों का झोपड़ा बिना किसी नोटिस दिए और बिना कुछ किए उजाड़ दिया जाता है, और सारे राज्यों की सरकारों के तहत ही होता है, तब कहीं कोई बहस नहीं होती। ऐसा पूरे देश में होता है और ऐसा पूरे देश में भी होता है कि कॉर्पोरेशंस की आंख के नीचे। आप बोलिए सर, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है ना। अगर आपने बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपकी बात आपसे पूछ रहे हैं सर, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं मैं उठ जाऊंगा क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आप सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं। जवाब दीजिए, आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड करिए, मुझे धमकी मत दीजिए, जवाब दीजिए। अब आपने बुनियाद सवाल उठा दिया, आप धमकी मत दीजिए, जवाब दीजिए। एक फिल्म स्टार जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करता है, जिसको 2018 का नोटिस मिला हुआ है, उसके मकान में बुलडोजर चलता है, तो सारे मीडिया में बीजेपी तमाम लोग आके उसको डिफेंड करते हैं। एबीपी न्यूज पर राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट में एंकर ने मौलाना साजिद रशीद से सवाल करते तंज कसा कि जिस पर साजिद रशीद एंकर पर भड़क गए। एंकर ने सवाल का जवाब देने को कहा, पर साजिद रशीद ने मना कर दिया। चलो
डूबर पानी में डूब मरना चाहिए, जमाती कहते हैं अपने आप को। देखिए मैं तो पहली बात अपने आप को भारतीय कहता हूँ और भारतीय मानता हूँ। बड़े जमाती कहते थे अपने आप को, आप बचपन से तबलीगी जमात में जाता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, धर्म की बातें सिखाते हैं, अजान सिखाते हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा करवाने की नहीं, एक हकीकत है। देखिए दीपक चौरसिया जी आपको सुनना पड़ेगा, 30 सेकंड हमें दीजिए। बलात्कार जमाती कहते हैं अपने आप को। एक मिनट बहुत हो रहा है आपका, ज्यादा सुनिए आप बात। बलात्कार जैसी घटना अति निंदनीय है, जो भी बलात्कारी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फौरन सजा होनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है समाज में। लेकिन हमारी उन्नाव की बेटी के साथ भी रेप कांड हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के उसके साथ, उन्नाव की बेटी के साथ, उन्नाव की बेटी का मुद्दा जेल के अंदर बंद है, अपने आप को जमाती कहते हो, इस बच्ची की स्टोरी देखने के बाद शोएब जमाई चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। न्यूज नेशन पर राजस्थान में हुई एक घटना पर डिबेट हुई, एंकर दीपक चौरसिया शोएब जमाई पर फड़कते नजर आए और जवाब देने को कहा। जैसे ही शोएब जमाई जवाब देने लगे, एंकर ने बीच में टोक दिया, जिस पर वे एंकर पर भड़क उठे। कितने पन्ने आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के पढ़े होंगे या कितने अक्षर पढ़ लिए होंगे? दिस मैन हैज बीन देयर, तो इस बात की तो आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। आप मान लीजिए उनकी बात, मैं तो नहीं मानूंगा। हां क्यों नहीं, आप क्यों मानेंगे? माथे पर टीका जो लगा दिया उन्होंने, आप क्यों मानेंगे उनकी बात? अगर नहीं नहीं बड़ी दाढ़ी होती तो वो जरूर मान लेते आप। आपकी प्रॉब्लम ये है रशीदी साहब, ना 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 ना, बदतमीजी का क्या मतलब है? प्लीज बदतमीजी का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि आप नहीं मानेंगे? नहीं क्या मतलब है कि आप नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे आप? क्यों नहीं मानेंगे आप उनकी बात? सीनियर एडवोकेट है वो, क्यों करेंगे आप? सीनियर एडवोकेट है वो, आप क्यों नहीं मानेंगे उनकी बात? क्यों नहीं मानूंगा? वही तो कह रहे हैं, क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा। हाँ तो मत मानिए। नहीं मानूंगा। और मुझे पता है आप क्यों नहीं मान रहे हैं। मैं अब मुझे पता है आप क्यों नहीं मान रहे हैं। सर यहाँ बैठ के धमकाना बंद मत कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। इससे भी ज्यादा दाढ़ी और टोपी आपका कॉपीराइट नहीं है, समझा? ऐसी घटनाएं आगे भी देखने को मिलती रहेंगी, जब तक मीडिया इसी तरह सरकार की जगह विपक्ष से सवाल करता रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा मीडिया जीडीपी, कोरोना, बेरोजगारी के असल मुद्दों पर भी डिबेट करेगा और सरकार से सवाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।